पीएमओ तक चीन के जासूस क्यों? एकनाथ ने क्यों छोड़ा बीजेपी का साथ? देश के सभी बड़े खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप नाइन राष्ट्र में। चीन की जासूस पीएमओ समेत टॉप दफ्तरों में सेंध लगाने की कोशिश में थी। दलाई लामा और भारत में लगाए गए सुरक्षा उपकरण भी चाइनीज जासूसों के निशाने पर थे। पिछले महीने दिल्ली से गिरफ्तार चीनी जासूसी नेटवर्क से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। बिहार के चुनावी दंगल में चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। भागलपुर में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, एक इंच जमीन भी चीन को नहीं देंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल और ओवैसी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। नड्डा ने भी बिहटा में धुआंधार प्रचार किया। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खड़से शुक्रवार को दोपहर 2 बजे एनसीपी में शामिल होंगे। खड़से का इस्तीफा महाराष्ट्र बीजेपी के लिए तगड़ा झटका बताया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने 3 दिनों में दूसरी बार तलब किया है। उनसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ से संबंधित 113 करोड़ रुपए के घोटाले पर पूछताछ की गई। अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि ये आवाज दबाने की कोशिश है। अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जौनपुर की सीजीएम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिस पर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। अब्दुल्ला पर देश की एकता भंग करने के अलावा राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत जारी है। पुंछ जिले के कस्बा और केरनी सेक्टर में बीएसएफ की कोठा, मनियारी पोस्ट और मनियारी गांव को निशाना बनाया गया और मोर्टार दागे गए। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हाथरस कांड के बाद गाजियाबाद में 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इस पर राजनीति तूल पकड़ने लगी है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की। हाथरस कांड में आरोपी लवकुश की मां के बयान के बाद सवाल खड़े हैं कि आखिर कौन सच बोल रहा है। आरोपी की मां के मुताबिक 14 सितंबर को छोटू, पीड़िता और पीड़िता की मां घटनास्थल पर मौजूद थे। चश्मदीद और आरोपी की मां के बयान में फर्क है। सीबीआई 3 बार विक्रम उर्फ छोटू से पूछताछ कर चुकी है। देह व्यापार की दलदल से निकालने के लिए महिलाओं को हुनर ज्योति मुहिम के जरिए व्यवसाय से जोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस वर्कशॉप में महिलाओं को योग के साथ पेपर बैग्स और दिए बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। मुहिम से करीब 200 ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं।